इस रात दे शोबे दे विच आया तकरीबन मैनू 12 तो 13 साल हो गए। सब तो पहले तो नैटरो का इस्तेमाल किया, फस्ट फस्ट टाइम तो नैटरो का इस्तेमाल किया। नैटरो तो बाद दूसरे पहले पानी तो मैं जनाब यूरिया इस्तेमाल किया। यूरिया साड़ी फसल जी है ना बारिश के आवन तो पहले पीली हो गई है। वो बारिश के आवन दे बारिश के ना आवन के असरात ये हैं भाई, कुछ ये वजूहत हैं भाई। पानी इन टाइम नहीं लग गया, पानी इन टाइम ना लगन की वजह तो भी फसल साड़िया पीली हो गई ने। खाद इन टाइम ना पहुँचने के नाल भी साड़िया फसल पीली हो गई ने। दूसरे जनाब सल्फर ना मिलने के नाल भी साड़िया फसल जो पीली हो गई। असं जनाब काश्तकार भाइयों यही मशवरा दे सां भाई इन टाइम फसल की जनाब उन्हें पानी देवन, पहले टाइम तो पहले पानी ना लावन। जिस टाइम पानी लावन, पानी लावन तो जनाब फी एकड़ 2 किलो सल्फर ते कम अज़ कम 25 तो 30 किलोग्राम यूरिया खाद वो लाजमी देवन। देवन नाल इंशाल्लाह एक पीलापन भी कणक का दूर हो जासी, फसल भी हरी भरी हो जासी। तो इंशाल्लाह नैक्सट टाइम उस फसल की जी ग्रोथ वो भी बिल्कुल ठीक ठाक हो जासी, बीमारी तो भी पाक रह जासी। आ जी गंदम का फसल है ना, थोड़ी जल्द पानी लगे तो ताई कणक पीली हो जाती है, तो ज़्यादा लग जाए तो ताई पीली हो जाती है। ये मेरा यानी कि 45 साल तजर्बा है। बाकी जड़ी है वो मेरे मालिक दे हाथ च फल फुल वास्ते कणक अगर पीली हो जाती है इधर तो थोड़ी जी यूरिया का छंडा ला देना चाहिए। सही है। यूरिया वगैरह झंडा लग जाए छोट भाई।